एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो? और अभी शाम के 10 बज रहे हैं, नाइट हो चुकी है और आप अम्बर करो तो अभी नहीं, हम टाइम हो रहा है और मैंने सोचा लाओ आप लोगों के प्यारे प्यारे नाम ले लेती हूँ जो कल के वीडियो में आए हैं। पहला है अलवीरा खान, चारों वी और बैड बॉय गेम में इनका नाम नहीं पता मुझे, राधिका, ओम प्रताप, अशोक, सुकन्या, नाम मैं भूल गई इनका नाम क्या था, ज्योति राणा। मैंने पूछा था ना कल अनुपमा किस किस का फेवरेट है, तो ज्योति राणा ने बोला था मेरा फेवरेट है ना। तो मेघा, गौरव जैन, ये मेरी दीदी हैं, जस्ट पड़ोस मेरे, मतलब ये सीनियर भी हैं, मेरे साथ पढ़ी भी हैं और मेरे मतलब मेरे मम्मी की तरफ रहती भी हैं और काफ़ी समझदार भी हैं। और नेचर की अगर बिहेवियर की बात करूँ तो बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। और उज़्मा मजीद, सुशांत सोनी और ज्योति कुमारी, देखिए आप लोग कहते हो कि नेगेटिव कमेंट आप डिलीट मत किया करो, तो मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सड़ा हुआ आलू सारी सब्जी को सड़ा देता है, वैसे ही अगर हम गंदे कमेंट या ऐसे गंदे लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में रखेंगे तो वो सारी गंदगी कर देते पूरे कमेंट सेक्शन में। मतलब एक इंसान की वजह से सारा कमेंट सेक्शन गंदा हो तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और ब्लॉक भी कर देती हूँ। बट ये दो तीन लोग हैं फेक आईडी बना के रोज टपक पड़ते हैं, हो सकता है कि इनके ये क्या करते होंगे, अपनी एक आईडी से मैंने ब्लॉक कर दिया तो अपनी मम्मी की आईडी से कमेंट कर दिया, फिर आजकल तो जियो है तो सबको पता है कि सबके पास तो नेट और रिचार्ज हो गया है, और अपने बहन के भाइयों से इन सबसे कमेंट करती है, मतलब सामने वालों को सिर्फ हर्ट करना है। तो इनका कमेंट था, दुष्ट झूठी औरत, तू इधर उधर की खबरें बता दे, दुखी होने की नौटंकी करना बंद कर दे, मजा लेती है सबकी मौत का, कमीनी झूठी, आवाज बदल कर अपने साथ के यूट्यूबर को गाली देती है। पहली बात तो मैंने किसी को गाली नहीं दी, ओके, ना हिंदी बोल सकती है ना लिख सकती है, कमीनी तू दूसरों को मजाक बनाएगी, तेरे ऊपर भी आएगा समझी, अब मुझे ब्लॉक करेगी या तो मेरे ऊपर वीडियो बनाएगी, लेकिन अपना कमीनापन नहीं छोड़ेगी। भाई मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत हो, जितनी कमेंट में गंदा गंदा कर सकती हूँ उतना करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत हो, मैं चैलेंज करती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे पर वीडियो भी बनाऊंगी और तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रही मैं, चलो ठीक है ब्लॉक नहीं कर रही मैं, ये चैलेंज देती हूँ, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत हो उतनी तुम बोल सकती हो, और तुम मेरे से कमी नहीं कह रही हो, मेरे अंदर से तुम कमी नहीं हो से ज्यादा गिरी हुई औरत हो सकती हो, और शायद नौटंकी तुम करती होंगी, मरे हुए लोगों का मजाक तुम बनाती होंगी और मरे हुए मजाक लोगों का बनाती होंगी, और शायद हो सकता है कि आपके घर में भी कोई एक्सपायर हुआ हो और आपने उनका भी मजाक बनाया हो, कोई मरे हुए का इतना कैसे गिर सकता है इंसान कि कोई मरे हुए का मजाक बनाए, बहुत एक तो दिमाग वैसे ही, आप लोगों को पता है कि कोरोना के कारण कितना अपना जो इंडिया है वो हमारा कितने केसेस हो रहे हैं, ऊपर से ये औरतें यानी पता नहीं कैसे रहती होंगी, अपने आस पड़ोस वालों को भी चैन नहीं लगने देती होंगी, इतनी गंदी और वाहियात तो औरतें होती हैं। और भाई मेरा चैनल है, मुझे किसके बारे में बोलना है किसके बारे में नहीं बोलना है, पता नहीं इनको क्या गलत फहमी है कि इनके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग इनके लिए वीडियो नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। बहन ज्योति कुमारी, तुम्हारे लिए वीडियो मैं कभी नहीं बनाती हूँ, तुम बिल्कुल मत देखो, थोड़ी भी सेल्फ रेस्पेक्ट हो तो आज के बाद वीडियो मत देखना, वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकती हो, ठीक है। मैं सिर्फ अपने प्यार करने वाले, चाहने वाले, जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, जो मेरी बेटी को प्यार करते हैं, उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप जाइए यहाँ से, अपने जिसको आप पसंद करती हो, जो सच्ची हो, एकदम सच वीडियो डालती हो, जो एकदम सच बोलती हो, वहां जाकर वीडियो उनकी देख सकते हो। मैं झूठ बोलती हूँ, इसी तरह से नौटंकी करूंगी और डेली ऐसे ही नौटंकी करूंगी, ठीक है, ओके, और मैं झूठ बोलती हूँ, ओके। यहाँ पर मैं पैसे कमाने आई हूँ, यहाँ पर मैं कोई सभी यूट्यूब पर जो भी लोग हैं सब पैसे कमाने आए हैं, कोई भी यहाँ पर फ्री का काम करने नहीं आया, मैं भी आई हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे वैसे मेरी यूट्यूब से इनकम नहीं आ रही, सारा हस्बैंड ही कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, मैंने आपको दिखाई थी 4-5 महीने की इनकम, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पैसे नहीं कमाने, मैं पैसे कमाने आई हूँ,
और ये भी नहीं बोलूंगी यूट्यूब से मेरा कुछ नहीं हो पाता, यूट्यूब से मेरा बहुत कुछ हो पाता, तो हर किसी का यूट्यूब से बहुत कुछ हो पाता, इसीलिए यूट्यूब पर आए हैं। आजकल तो सेलिब्रिटीज तक यूट्यूब पर आए, व्लॉगिंग कर रहे हैं, वही किचन दिखा रहे हैं आपको, किचन का पार्ट दिखा रहे हैं, अपनी अपनी क्लीनिंग दिखा रहे हैं घर की, और क्या कहते हैं जो भी चीजें हूँ वो सब चीज दिखा रहे हैं। जो भी अगर वो अपने घर के ड्राइंग रूम की सफाई कर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, अपने घर में क्या बना रहे हैं वो दिखा रहे हैं, चाय कॉफी सब दिखा रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज भी दिखा रहे हैं, तो हम लोग तो डेली लाइफ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें नौटंकी लगता है तो मैं नौटंकी करती हूँ, ऐसे ही दिखाऊंगी, नहीं बंद करूंगी, नहीं बंद करूंगी, नहीं बंद करूंगी, जो उखाड़ ना सकती उखाड़ के दिखा दूं, ओके। ज्यादा अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म होगी ना, इतू सी भी, तो मुझे नाच कर कमेंट करोगी, और मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं करा है, क्यों? क्योंकि तुम जैसे वाहियत औरतें कभी नहीं सुधर सकती, एक आईडी से ब्लॉक कर दोगे दूसरी से टपक पड़ेगी, बहुत गिरी हुई औरतें होती हैं, तो इनके पास बहुत ही गंदा कमेंट था। आप लोग कहते हो ना कि दीदी इग्नोर किया करो, इग्नोर किया करो, लेकिन इतना मतलब एक बात बताओ, ये औरत छोटी औरत तो नहीं होगी ना, दूध पीती बच्ची तो होगी नहीं, जिसे लिखने में ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको गाली दे रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं, इतनी वाहियात, इतनी गंदी लैंग्वेज, छी शर्म आती है इतनी गंदी लैंग्वेज एक औरत होकर एक औरत के लिए इस्तेमाल। उस दिन मैंने उस दिन जब बोला था, वो क्या नाम है उसका, कुछ नाम तक ध्यान नहीं आ रहा, वह पे स्क्रीनशॉट है, तो रिया, हाँ रिया करके था उसका कमेंट, तो मैंने उसको गंदा बोला था, तो हाँ मुझे बाद में रियलाइज हुआ था, क्योंकि मैंने उसके उसको उसके गुस्से की जगह मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट कर दिया। लेकिन मैं आपसे बस इतना बोलूंगी, मैं पता बहुत ही कम लोगों को ब्लॉक करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ देखो ना, तो ये लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, मुझे ये खिलाने आ रहे हैं ना, मेरी फैमिली चलाने आ रहे हैं ना, कुछ करने आ रहे हैं, तो फिर मैं इनको ब्लॉक करके क्या करूँ यार, अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं आई, मैं यहाँ पर पैसे कमाने आई हूँ, अपनी इमेज बनाने आई हूँ, ना कि इस तरह से भाइयत हरकतें करने आई हूँ। पर लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है, सुधरते नहीं है किसी भी हालत में, बहुत ही गंदे वाहियात औरत, वो तो पता है, मैं ये चाहती थी कमेंट डिलीट कर दी थी, इस पर 10 लाइक मतलब 24 लाइक है, यानी 24 लोगों की इतनी वाहियात सोच है, मैं चाहती तो इसे डिलीट करती थी, मैंने पर डिलीट नहीं करा, ताकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर मेरे देखें कि हाँ ये कितने गंदे गंदे कमेंट कर सकते हैं, लोग कितना गिर सकते हैं। उस दिन मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन आप ही लोग बताओ, जब मैं गुस्से में बोला तो आप बहुत सारे लोगों को हर्ट करा, लेकिन आप लोग सोचिए कि यार मुझे ये हर्ट नहीं करा होगा कमेंट, आप बताइए, इतना गालियां दे रही हैं ये कमेंट में, इतने वाहिया झूठी और कमीनी, जो मन में आ रहा है वो बोल रही है, मुझे हर्ट नहीं करा होगा, मैं किसी का यहाँ पर खा नहीं रही हूँ, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे देखना चाहते हैं, मैं उनके लिए डेली वीडियो डालती हूँ, फिर ये लोग क्यों आ जाते हैं, इनको कोई बुला रहा नहीं है ना, इनसे बोल रहा कि देखो भाई जिसकी तुम्हें पसंद हो वो देखो, क्या तुम इतनी फालतू हो, जो लोग जो जिसको तुम पसंद नहीं करती हो उनको भी देखने आती हो, मतलब तुम्हारी कोई खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, खुद का तुम्हारे लिए तुम्हारे जो समय है वो तुम्हारे लिए फालतू है, जो तुम ऐसी जगह लगाती हो जो जिसको तुम पसंद नहीं करती हो। मैं अगर किसी को पसंद नहीं करती तो ना तो मैं उसकी वीडियो देखती हूँ, ना ही मैं उसको अपने जीवन में कोई महत्व तो देती हूँ, ठीक है। यूपी हैप्पी ब्लॉगर तस्टेन डॉलकर और आरती गणेश फैमिली ब्लॉग, गीतिका मल्होत्रा, शिल्पी वर्मा, ओमिका चैनल, ताशी लम्हो, मंजू राज पुरोहित, ठीक है, याशीर दाऊद, विप्र अग्रवाल, निशा अरोरा, अभिनव शर्मा, प्रियांशी वाशने, अजीत कुमार और दिनेश अग्रवाल यानी नंदिनी, तो ये कुछ नाम थे, मैंने बोल दिए हैं, एक दो मतलब ये दो लोग हैं जिनको मैं ऐड कर देती हूँ फिर भी टपक पड़ते हैं, और इतना गंदा थे कि मैं ना इग्नोर मार देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप ये भी टाइटल, ये टाइटल नहीं बनाऊंगी मैं इस कमेंट का, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को क्या समझती है, क्या समझती हैं, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं, किसी पर किसी चीज की कमी है, किसी पर किसी चीज की कमी है, आप ही लोग बताओ। उस दिन मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन मेरी बेटी के बारे में इतना गंदा उस लड़की ने बोला, रिया शर्मा नाम था उसका, कमेंट था कि तेरी बेटी तोतली है, तोतली तोतली कहीं की, और उसे पागल खाने में भेज दे, और ऐसे कुछ था उसका कमेंट, मुझे भूल गई हूँ मैं,
तो मुझे वो हर्ट नहीं करा होगा। मैंने जिस बेटी को 9 महीने गर्भ में रख के जन्म दिया, इतने सारे सेक्रीफाइस करी, इतना दर्द झेला 9 महीने में, उसके बाद मैंने उसे जन्म दिया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई थी। तो आप लोग सोचिए कि मैं उसके बारे में सुन लूंगी, मान लीजिए आप लोग, हाँ मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरी गलती थी, मुझे इतना नहीं बोलना था, लेकिन मेरी बेटी को कोई इतना गलत बोलेगा मुझे गुस्सा नहीं आएगी। अब ये ही औरत है, इतना गंदा लिख रही है, ये छोटी बच्ची तो नहीं है ना, जिसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दूसरी लड़की के लिए क्या लिख रही हूँ। अगर ये सारी चीजें इसके साथ हो, इसके फैमिली के लिए अगर मैं बोलूँ तो कितना इसको हर्ट करेगा, करेगा ना, ऐसे मुझे हर्ट करा है, ऐसे इस लड़की को हर्ट करेगा जब ये इसको अगर कोई बोलेगा तो। यूट्यूब पर हमें इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमें चंदे की तरह बजा देगा या फिर हमसे कुछ भी बोल जाएगा। हमें भी गुस्सा आती है, हमें भी फीलिंग्स है, हमें भी इमोशंस है। हम यहाँ पर किसी के सुनने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम आपको डेली रूटीन शेयर करते हैं, आप लोगों के प्यार के लिए, नफरत के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। जो नफरत करता है बिल्कुल ना देखे, डिसलाइक करे, वीडियो को चला जाए, फालतू में इतना टाइम वेस्ट करके कमेंट में गंदा ना करे, ठीक है। और फिर दूसरों को गुस्से दिलाते हो, खुद भी सुनते हो, खुद की तो इज्जत कोई है नहीं, खुद तो सुनते ही हो, दूसरों को भी सुनवाते हो, दूसरों का भी माइंड खराब करते हो। तो बस डिसलाइक करो और निकल लो यहाँ से, बिल्कुल भी मत देखो, जाओ यहाँ से। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, वो देखेंगे ही देखेंगे। और साथ ही साथ मरे का मजाक की बताऊं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरी मम्मी बोला करती थी हमें किसी की खुशी में शामिल हूं या ना हूं, लेकिन हमें दुख में शामिल जरूर होना चाहिए। तो मैं उन आंटी के घर पर जाऊंगी और मेरी हैबिट है, मैं किसी की खुशी में एक बार को शामिल नहीं होती, मैं दुख में जरूर होती है। तो मेरी फ्रेंड तो हो आई है उन आंटी के घर पे, और बस मैं जाऊंगी अभी 1-2 दिन में। तो बस ये था कि कल बहुत ज्यादा माइंड ऑफ था। और मेरे सुशांत सोनी करके, वो इटली से हैं, उन्होंने कमेंट करा था कि दी इटली में बहुत बुरी कंडीशन है, सभी जगह कंडीशन है। तो यार देखकर पता, कहीं ना कहीं हमें भी ये डर लगता है कि ये सिचुएशन बहुत बुरी है यार, बहुत बुरी। भगवान बस सबकी रक्षा करे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है शालिनी, मैं चाहती हूँ यार, वो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, मैं चाहती हूँ आप लोग दुआएं कीजिएगा शालिनी के लिए कि वो जल्दी से खुशखबरी दें और मुझे मौसी बनाए, मैं दुआ करूंगी। देखिए मैं भी फीलिंग समझ सकती हूँ एक माँ की, कि कितना हर्ट होता है एक माँ के लिए, बच्चे जन्म देना कितनी बड़ी बात होती है, बच्चे को जन्म देने बहुत बड़ी बात होती है माँ के लिए, है ना। और जब किसी के बच्चा नहीं होता उसे कितना दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। उस दिन तो मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने बोल दिया था, लेकिन मेरा सच में गाइस कोई भी मकसद नहीं था किसी को हर्ट करने का, फ्रस्ट्रेशन में। आप लोग मुझे जानते हो, आप लोगों को पता है कि मैं इतना गलत नहीं बोल सकती, उस दिन मैं काफी गुस्सा थी इसलिए मैंने बोल दिया था, उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ। जिस जिस लोगों को मेरे हर्ट करा उस दिन का, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और बस यही बोलूंगी कि आप लोग, जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के लिए सफर कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करूंगी, हे पाश बाबा, मेरी जितने भी दुनिया की माएँ हैं जो माँ बनना चाहती हैं, उनको वो हर खुशी प्रदान हो, हर खुशी मिले, इनफर्टिलिटी की जिस जिस को प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, किसी के भी बच्चे को गलत मत बोलो, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं आगे या पीछे, और जब हम पर खुद पर बीतती है तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ हमने वो गलती करी थी। तो उस गलती को करने से पहले आपसे बस इतना ही बोलूंगी, किसी के बच्चे को गलत मत बोलो, क्योंकि जब एक माँ से, माँ की दुआएं या बददुआएं निकलती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप लगती जरूर हैं। तो बस यही बोलूंगी, बस जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी से फेस कर रहे हैं, बस भगवान उनको इस चीजों से दूर रखे। और आप लोग भी किसी के बच्चे को या किसी के माँ को दुखाओ मत, दिल बोल दिया हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ये मत बोलना नेक्स्ट टाइम, तो मैं नहीं बोलूंगी। थोड़ा सा होता है ना गाली गलौज से गुस्सा आ जाती है ना। चलिए मैं मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवरटीन का इंटीमेट वाइप्स, इसका क्या जरूरत है, क्या कहाँ यूज होता है, मैं ये भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इंटीमेट वाइप्स को आप यूज कर सकते हैं अपने वाइट डिस्चार्ज को साफ करने के लिए। ये आपके इंटीमेट पार्ट को एकदम नीट एंड क्लीन रखता है, जिससे कि आपके इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको डीप दिख रही होगी पिक्चर, इस तरह से आता है, इन्फेक्शन नहीं होगा आपके इंटीमेट पार्ट में, कोई भी एलर्जी टाइप नहीं होगी, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जो में काम करता है, सबसे पहले बता दूँ, यदि आप मार्केट से वाइप्स यूज करते हैं, वो एक तो इस
अंदर ऐसे बॉक्स में आता है, उसको यूं निकालते हैं तो एक एक्स्ट्रा निकल आता है और एक निकल निकालने के साथ साथ तो दूसरा भी निकल आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको पूरे पैकेजिंग में यहाँ पर पिक्चर आ रही होंगी, पैकेट वगैरह जा रहे हो या कहीं थोड़ा सा दूर घूमने जा रहे हो तो अपने साथ आप दो पैकेट को निकाल के रख सकते हैं और उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको पूरे पैकिंग पूरे डिब्बे को लेके जाना पड़ता था, बन जाते थे। तो आप लोग बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय कर सकते हैं, चेकआउट करना जरूर।